क्या हुआ? सांपों से डर लगता है तुम्हें? मुझे सांपों से डर लगता है। कहाँ जा रही हो? अच्छा, तो फिर तुम अर्जुन के बिल्कुल काबिल नहीं। तुम जानती नहीं कि अर्जुन एक अर्धनाग है? अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें छोड़कर नागरानी मस्किनी से शादी करने का फैसला किया। मैं अर्जुन से प्यार करती हूं। तो ठीक है, साबित कर। इसे सहन करने की शक्ति है तुम में? नहीं, मैं इसे नहीं छूंगी, नहीं छूंगी मैं। मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहती हो। मैं नहीं हाथ लगाऊंगी। तेरे अर्जुन में कोई जहर नहीं है, कोई जहर नहीं है, समझी तुम? अर्जुन, अर्जुन, जाओ यहां से, कोई देखे। अर्जुन, अर्जुन प्लीज मेरी बात सुनो। वो मस्किनी, वो मुझसे स्वागत के कमरे को सजाने के लिए कह रही है। अर्जुन मुझसे नहीं होगा, मेरी बात को समझो। अर्जुन प्लीज, मैं हूं ना। अर्जुन प्लीज, अर्जुन मेरी बात सुनो ना। अर्जुन, नूरी बेटा तुम ठीक तो हो ना? अच्छा बताओ, क्यों बुलाया था वहां पर? क्या हुआ वहां, बताओ ना। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हो सकता है? अर्जुन है ना हमारे साथ, कुछ गलत नहीं हुआ। मैं अर्जुन पे भरोसा करना हूँ। ठीक तो है ना? हाँ? पापा! चलो, हमें आदेश है तुम लोगों को मायावी वन पहुंचाने का। चल बेटा। नहीं, मैं अर्जुन भैया की मना नहीं जाऊंगी। कैसी बातें कर रही है, चल ना बेटा। नहीं ना, उन्हें अभी बुलाओ। क्या कहा? नहीं चलेगी, इसे बुलाओ। मेरे अर्जुन भैया को बुलाओ, मैं उनकी मना नहीं जाऊंगी।
मैं कैसे नहीं जाएगी, देखता हूँ कैसे नहीं जाती है। शंखचूड़ छोड़ दो उसे, मर जाएगा। देखो गुस्से में आके ऐसा कुछ कदम मत उठाओ जो हमें नहीं उठाना चाहिए। शंखचूड़ मुझे प्लीज ना, शंखचूड़ छोड़ दो उसे, प्लीज छोड़ दो उसे, छोड़ दो। इनमें से किसी को भी छूने की गलती मत करना। चुटकी, अर्जुन भैया ने हम सबसे प्रॉमिस किया है कि हम जैसे ही घर वापस पहुंच जाएंगे ना, वो भी वापस आ जाएंगे। और एक प्रॉमिस मैंने भी अर्जुन भैया से किया है कि जब तक वो हमारे पास वापस नहीं आ जाते, मैं तुम सबका ख्याल रखूंगी। तुम चाहती हो कि मेरा प्रॉमिस टूट जाए? नहीं। तो फिर हमारे साथ चलोगी ना? कात्या ऋषि को नागरानी मस्किनी का प्रणाम। मुझे आपसे मदद चाहिए। मेरे एक परिजन की हत्या की तुमने, ये जानने के लिए कि अस्तिका का वर्तमान कैसे नष्ट किया जाए। मैं नहीं बताऊंगा तो तुम फिर मेरे किसी साथी की हत्या करोगे। अब बता दो कि कौन सी समस्या खींच लाई है तुम्हें यहां। पहले किसी के अंत के लिए आपकी मदद मांगू, आज एक नई शुरुआत के लिए आपसे मदद मांगती। अर्जुन के साथ मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है और आज हमारे मिलन की पहली रात है। मैं चाहती हूं कि अर्जुन पूर्ण रूप से मेरा हो जाए। उसके मन में सिर्फ मेरे ख्याल और किसी के नहीं। आज रात के बाद वो मेरा हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन जाए। मैं जो कहूं जैसा कहूं वैसा ही करूं। मनुष्य को वश में करने का उपाय है, किंतु अर्जुन अर्धनाग, वो पूर्ण रूप से काबू में आएगा मैं नहीं कह सकता। परंतु वो मेरी बात तो मानेगा, मस्किनी लोग को छोड़कर तो नहीं जाएगा। हाँ, ये संभव। तो मुझे वो शक्ति दीजिए। अर्धरात्रि से पहले उसे ये पिला देना, वो सदा सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन जाएगा। उसकी शक्तियों में वृद्धि होगी और उसके मन में केवल तुम्हारी छवि होगी। बस इसी की तो तलाश थी मुझे। अब जल्दी से अंधेरा हो और अर्जुन हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो।